Serifatum. फुटबॉल पांव से नहीं, यहां से खेला जाता है। जिद होनी चाहिए गोल करने की, जिद होनी चाहिए अपनी जिद को पूरी करने की। लोगों को लेक्चर तो अच्छा देता है तू, लेकिन सुहानी के मामले में गोल मिस कर दिया तूने, या फिर बॉल तेरे पास कभी थी ही नहीं। लो, सुहानी का नाम लिया और सुहानी खुद आ गई। बेचारी सुहानी, एक वो है कि इसके नाम की माला जपती फिरती है, और एक ये है कि उसको घास तक नहीं डालता। वैसे भाई, मैंने सुना है इसने सबके सामने एंगेजमेंट अनाउंस कर दी थी सुहानी के साथ, और बाद में सबके सामने तोड़ भी दी। यार रॉकी, बड़े बाप की बड़ी औलाद है। हम जैसे फुटबॉल के साथ खेलते हैं, वैसे ये लड़कियों के दिल के साथ खेलते हैं। आजे तो कल वो, और फिर कोई और, फिर कोई और। भर गया होगा सुहानी से दिल, है ना रणवीर? पर तू टेंशन मत ले यार, उसका हस्बैंड है ना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। धन नहीं है मेरे पास, लेकिन तन और मन से मैं उसे अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता चल गया है कि अगर तुमसे कुछ करवाना है तो उल्टा बोलना होगा। इसका मुंह तोड़ दो रणवीर। इसको इतना मारो कि मेरा क्या, किसी लड़की का नाम ही ना ले पाए कभी। देख क्या रहे हो, मारो इसको। अबे ये सुहानी है या उसका डबल रोल? तो कमाली हुई यार, सीता के रोल में गीता। रणवीर मुझे क्या देख रहे हो, मारो इसे। क्या हुआ रणवीर? डर गया क्या, या फिर रियलिटी सामने आ गई? सुहानी मेरी बीवी है, और उसके साथ जब जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं। मुझे पता था मैं जो बोलूंगी तुम उसका उल्टा ही करोगे। सुहानी, तुमने मेरा प्लान ए तो फेल कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी बैकअप प्लान है। मिल लो, आज तुम्हें रणवीर से जितना मिलना, अब तुम्हारी मुलाकात का वक्त खत्म।
हेलो क्या माँ का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक तो है ना? थैंक्स अ लॉट मैं बस पहुंच रहा हूँ वहां पर. क्या हुआ? यार माँ का एक्सीडेंट हो गया और शी इज बैडली इंजर्ड. किसी ने उन्हें लाइफलाइन हॉस्पिटल में एडमिट किया. उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका. पता नहीं क्या होगा. ब्लड ग्रुप क्या उनका? ए पॉजिटिव. किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है क्या? अरे है तो बोलो ना. मैं जाकर देखता हूँ. अंश, अंश मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है. मुझे ले चलो आंटी के पास. Are you sure? I'm sure. मैं जल्दी से अपना पर्स लेकर आती हूँ. तुम यहीं रुकना. थैंक यू सो मच सोनी. थैंक यू सो मच. ये अच्छाई भी कितनी बुरी चीज होती है ना. कितनी आसानी से सोनी मेरे प्लान में फंस गई. अंश चले. हाँ चलो सोनी प्लीज. थैंक यू. प्रिया वालिया आज के डेट की सबसे हैपनिंग डिजाइनर है. ये पूरी कलेक्शन उसी की है. वाओ इट्स रियली वेरी क्लासी. लेकिन पता है इन सब से ना चूज करना बहुत मुश्किल है रिया. चूज? यू डोंट हैव टू चूज. ये मैं सब खरीद चुकी हूँ फॉर यू. वाओ थैंक यू रिया. वैसे कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मेरे टेस्ट के बारे में मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है. एंड आई एम श्योर मुझसे ज्यादा मेरा टेस्ट आपको पता होगा. हाँ वो तो है. यू नो व्हाट हमें शॉपिंग जाना चाहिए एक दिन साथ में. इट विल बी सो मच फन. हाँ दैट वुड बी नाइस. अरे रणवीर कैसा था एग्जाम? रणवीर ये देखो मैंने आंटी के लिए क्या खरीदा है. माँ मुझे आपसे बात करनी है. हाँ रिया मैं अभी आती हूँ. हाँ अंश कहाँ लेकर जा रहे हो? लाइफलाइन हॉस्पिटल लेफ्ट में राइट में कहाँ जा रहे हैं? पता है सुहानी लेकिन हॉस्पिटल जा कौन रहा है? क्या अंश तुमने एक बार फिर मुझसे झूठ बोला. प्लीज बाइक रोको. बाइक रोको अंश बाइक रोको. फिर से मुझसे झूठ बोला. आशा आंटी का नाम यूज किया. कितने शेमलेस हो तुम. शेमलेस हाँ? और मेरी बीवी होते हुए तुम पूरे कॉलेज में रणवीर रणवीर चिल्लाती फिरती है उसका क्या? तुमसे ना किसी बारे में बात की नहीं जा सकती है. अंश हाथ छोड़ो मेरा. अंश हाथ छोड़ो मेरा. तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्ला लो सुहानी क्योंकि वो आज के बाद तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा. फोन भी ले लिया उसने मेरा. मैं कैसे इन्फॉर्म करूंगी रणवीर को? कैसे निकलूंगी यहां से? ये लो
ये तुम्हारा बैकअप फोन है, इसे तुम्हें हमेशा अपने पास रखना होगा। रणवीर अब तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, इस फोन की क्या जरूरत है? नहीं सुहानी, जब तक अंशा प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो, तुम इस फोन को हमेशा अपने पास रखना। जब भी किसी प्रॉब्लम में हो मुझे इससे फोन कर देना और अपनी लोकेशन भेज देना। फोन की बैटरी हमेशा चार्ज रखना। और कुछ भी हो जाए रणवीर, मैं तुम्हें सुहानी के पास वापस नहीं जाने दूंगी। बाहर क्या चल रहा था? आपको पता है ना मुझे रिया का आसपास होना पसंद नहीं। रिया खुद आई थी मिलने, क्या करूं उससे बात ना करूं? और क्या प्रॉब्लम है, अच्छी लड़की है रिया और तुझसे प्यार भी करती है रणवीर। देख रणवीर, तूने खुद सुहानी से रिश्ता तोड़ा है, अब इसके बाद तुझे आगे तो सोचना पड़ेगा ना। और रिया में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बीवी में होते हैं, अच्छी बहू में होते हैं। और तू क्या चाहता है, सारी जिंदगी तू बिना शादी के रहना चाहता है? माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, सुहानी नहीं तो कोई भी नहीं। हाँ, मैंने सुहानी से रिश्ता अपनी मर्जी से तोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और से रिश्ता जोड़ लूं। रणवीर बार बार मेरा फोन क्यों काट रहा है? मैं मैसेज करके लोकेशन सेंड कर देती हूँ। प्लीज 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 माता रानी, मेरे फोन की बैटरी जाने से पहले रणवीर ये मैसेज पढ़ ले और मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए प्लीज। वो मैं तुम्हें फोन वापस करने के लिए ढूंढ रही थी। बैटरी पूरी तरह चली गई, बट आई होप रणवीर ने मेरा मैसेज पढ़ के मुझे फ़ोन किया होगा। एटलीस्ट मेरी लास्ट लोकेशन तो पहुँच ही गई होगी उसके पास। मुझे किसी भी तरह इस गाड़ी को कुछ देर यहीं रोकना होगा। वॉशरूम नहीं जाना है, चुपचाप बैठी रहो वहीं पर। अरे पर आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है, कुछ तो होगा ना आसपास, कोई घर रेस्टोरेंट कुछ भी चलेगा। प्लीज गाड़ी रोको, आई हैव टू गो। कहीं नहीं जाना है सुहानी, चुपचाप बैठी रहो। आज ट्रस्ट मी, मैं कहीं भाग कर नहीं जाऊंगी, प्लीज आज गाड़ी रोको, प्लीज आज आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, प्लीज। आगे रोको, खोलो। चलो सुनो, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो,
चलो। हो रहा वॉशरूम, जल्दी आना। अब जाओ ना। मुझे किसी भी हाल में अंश को थोड़ी देर और यहाँ रोकना होगा ताकि रणवीर आ सके। सुहानी। हाँ आ रही हूँ। सुहानी जल्दी बाहर आओ। रणवीर को आने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, लेकिन 20 मिनट तक अंश को रोकना इम्पॉसिबल होगा। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे क्या आपकी शॉल मिलेगी? पर मैम हुआ क्या? आप कुछ अर्जेंट है? ओके, मैं ना बस अभी 2 मिनट में आई। ठीक है। ओके। सुहानी सुहानी, इतनी देर क्यों हो रही है? सुहानी जल्दी बाहर आओ वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सुहानी क्या करने वाले थे? हाँ तुम लेडीज वॉशरूम का दरवाजा तोड़ने वाले थे ना? तुम इतने भी मैनर्स नहीं है तुम में? डिस्गस्टिंग। सुहानी तो मैं बाद में देखूंगा। क्या करोगे बोलो ना। Just stop it, Sony. शोर मचाने की कोशिश मत करना वरना रणवीर की जान वापस खतरे में आ जाएगी। एक मिनट, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना है, पानी खरीद के आती हूँ। सुहानी गाड़ी में पानी रखा हुआ है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। अंश एक मिनट धीरे चलो। जाओ। पहले इसको खुलवाओ। खोले से। चलो।
सब इंजन में कचरा आ गया है, देखना पड़ेगा। दो मिनट दीजिए ना सिर्फ। जल्दी करो। माता रानी प्लीज रणवीर को भेज दो, प्लीज 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 रणवीर जल्दी से आ जा। माता रानी मदद। लास्ट लोकेशन तो यहीं की थी। इसके बाद अंश किस तरफ लेके गया होगा सुहानी को, राइट या लेफ्ट?